तो दोस्तों, आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में आजकल आप तारक मेहता के बॉस की स्टोरी देख रहे होंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पोपटलाल की स्टोरी चल रही थी। जब पोपटलाल की स्टोरी चल रही थी ना, तो जो तारक मेहता शो की जो टीआरपी है वो बहुत ज्यादा आ गई थी, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। जैसे हमारे पहले के शोज हुआ करते थे उसी तरह की टीआरपी आने लग गई थी। लेकिन दोस्तों, जो तारक मेहता की जो ये कहानी चल रही है बॉस की, इसमें इतनी ज्यादा टीआरपी नहीं आ रही है, लोगों को ये ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो हमारे तारक मेहता है वो अपने बॉस से ये बात क्यों छुपा रहे हैं कि जो हमारे चंपक चाचा जी है वही बड़े गुरु जी है, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि अगर तारक मेहता बॉस को बता देंगे सारी सच्चाई तो जो बॉस है वो और खुश हो जाएंगे। क्योंकि तारक ने ग्रीन शर्ट पहना था, पीला शर्ट तो पहना नहीं था, लेकिन फिर भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो यहाँ पे तो उन्होंने बॉस को अंधविश्वास से बचाया था, कहीं ना कहीं उनको सच्चाई उस टाइम पे बता देनी चाहिए थी। और दोस्तों, दूसरा रीज़न ये है कि चंपक चाचा जी ने जो बॉस है उनको बताया था कि ये सब अंधविश्वास होता है, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। लेकिन जो बॉस है वो तो उल्टा ही पड़ गए, मतलब वो एक अंधविश्वास को छोड़ के दूसरे अंधविश्वास के ऊपर पड़ गए। असल जिंदगी में भी लोग ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी में मुझे ज़्यादा दम तो लग नहीं रहा है, लेकिन आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि जो हमारे चंपक चाचा जी हैं उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल ही वाइट हो जाएगा, वो अपना रूप बदल लेंगे। तो वो देखने में काफ़ी ज़रा हमें मज़ा आने वाला है। तो आज का जो एपिसोड है मैं उसका काफ़ी वेट कर रहा हूँ, आप लोग भी वेट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।